क्लास टू का एज नंबर 9 करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है द ह्यूमन, ठीक है। इसमें हमने कल पेज नंबर 1 पर लंग्स की अबाउट पढ़ा था कि हमारे लंग्स जो है किस तरह से हमें ब्रीथ करने का काम करते हैं, ठीक है। आज उसी का आगे पार्ट हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 9, ठीक है। वहां पर है टेक अ डीप ब्रीथ कि आप एक गहरा सा सांस लें। यू मे फील पार्ट ऑफ योर चेस्ट गेट्स बिगर। आप ऐसा करें आपको ऐसे लगेगा, फील होगा जब आप गहरा सा सांस लेंगे कि आपकी चेस्ट के पास जो साइड है वहां पर क्या हो रहा है, जो है वो बहुत बड़ा सा हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? दैट इज योर लंग्स गेटिंग बिगर एज यू ब्रीथ इन। ये हमारे लंग्स हैं जो बड़े होते हैं, यानी कि बिगर उनका साइज होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथ इन का मतलब कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, जब एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस यानी कि जब अंदर जाती है। इट्स लाइक ब्लोइंग एयर इनटू अ बैलून। जैसे हम बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो बैलून पहले छोटा सा होता है, जब हम उसके अंदर एयर फिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। सेम एज ऐसे हमारे लंग्स के साथ भी होता है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो लंग्स का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आगे है व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, योर लंग्स गेट्स स्मॉलर, तो हमारे लंग्स का जो साइज है वो छोटा होता है, क्योंकि तब हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद आपकी बुक पर लिखा हुआ है डू यू नो, कि क्या आप जानते हैं। आप इसको बुक से रीड आउट करें कि हमारे जो हार्ट लंग्स हैं, लंग्स की लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के निस्बत थोड़ी सी छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा साइड पे हमारा जाके हार्ट अल्लाह ताला ने फिट किया होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा राइट लंग से छोटा होता है, लेफ्ट लंग जो है। इसके बाद है बिगर आर स्मॉलर, ये आपसे आगे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बिगर है या स्मॉलर है, वो क्वेश्चन क्या है, अगर उसको पढ़ के आपको क्लियर होगा। When you breathe in, जब आप सांस अंदर लेके जाते हो, do your lungs get bigger or smaller? तो आपके lungs कब bigger होते हैं, बड़े होते हैं, या smaller छोटे हो जाते हैं? तो आपने इसका आंसर मुझे खुद देना है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से पेज नंबर 9 को रीड आउट करें, रीड आउट करने के बाद जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, वो इसी पेज पे है, अभी हमने पढ़ा भी है, ओके। तो आपका ये काम है कि अब आपने करके इस पेज को अच्छी तरह से पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, इनको जो बुक पर आपसे पूछा गया है, आप उसका आंसर भी सामने रखें। थैंक यू।